मेरा नाम रमेश है। पहले मैं भूतों को देख के बहुत डरता था, लेकिन अब मैं भूतों को देख के बहुत हंसता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये सब हुआ कैसे? क्योंकि अब मैं लाल इश्क देखता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या बात है जो हम में नहीं है? अरे यहाँ पे वैरायटी इतनी है, यहाँ पे तुम्हें हर तरह की भूतनी मिलेंगी, जैसे कि सिंगल मुंडी वाली चुड़ैल, डबल मुंडी वाली चुड़ैल और तोर तीन तीन मुंडी वाली चुड़ैल। मेरा दिमाग खराब मत कर। और तोर ये दुनिया की पहली ऐसी मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो सबसे ज्यादा इच्छाधारी कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, जैसे कि इच्छाधारी चिड़िया या फिर इच्छाधारी टिड्डा, इच्छाधारी उल्लू, इच्छाधारी बाज, इच्छाधारी भैंस, इच्छाधारी मछली और तोर इच्छाधारी कुत्ता भी है बे। आप लोग सोच रहे होंगे इच्छाधारी सांप कहाँ है भाई? अरे वो तो अपने, अरे ये कहाँ से आ रहा है बे? हे भगवान, एक कर्म कर देना, अगले जन्म मेरे को सांप बना देना और रहने के लिए ऐसा ही घर देना। जिंदगी हो तो ऐसी हो। और ये लोग यही नहीं रखते, अगर इनके पास इच्छाधारी बनाने के लिए जीव जंतु कम पड़ जाते हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, जैसे कि जादू करने वाला इंसानी पेड़, या फिर जीता जागता हुआ इंसानी कैक्टस, या फिर सबको खा जाने वाला एक खूंखार फूल। वैसे तो इनके दो एपिसोड देख लो, समझ लो पूरा सीजन देख लिया, क्योंकि हर दूसरा एपिसोड सेम ही होता है। दो हंसों का जोड़ा होता है, वो कहीं जा रहा होता है, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। ये गाड़ी को क्या हो गया? स्टार्ट करो। अब ऐसे में वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे ये गांव इस समय कुछ ज्यादा सुनसान नहीं है। और ऐसे लोगों को अगर सुनसान जगह मिल जाए तो लोग क्या करते हैं? हमारे रोमांस के लिए एकदम परफेक्ट है। शट अप। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बाकी एंटरटेनमेंट करने के लिए भूतनी तो मिलेगी ही ना। ना ना दीदी, डरो मत, भूती तो है, रोमांस देखने आई है। वैसे भी किसी को बताती नहीं, केवल डराती है। और इनके अजीबोगरीब कैरेक्टर तो तुमको हर एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कटीला शैतान, अष्टभुजी दानव, बारह सिंगा दानव, कूनी बस्ता। ये क्या है बे? अच्छा, तो ये एक बैग है जो कि लोगों को खा जाता है। बहुत मजा आया। और ये बस्ता लोगों को मारने के लिए नहीं खाता, बल्कि अपना पेट भरने के लिए खाता है, और साथ ही साथ बतियाता भी है। नहीं करने दूंगी। छोड़ माँ, भूख लगी है, खाऊंगा। छोड़ 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 नहीं। क्या ये इसकी माँ है? अरे इंसान और जानवर तक का मिलन तो सुना है, लेकिन इंसान और बैग का मिलन भी करवा दिया। अरे खतरनाक लोग हैं। और इनके शो में जो शैतान होते हैं उनके अलग ही नशे होते हैं। अब जैसे कि इस शैतान को देखो, इसे बालों से ही ऑर्गेज्म मिल रहा है। अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे तो लोग शैतानों को देख के डरते हैं, लेकिन शैतान अपने आप को देख के क्या समझते हैं ये भी देख लो। कितना खूबसूरत लग रहा हूँ मैं। मस्त जोक मारा रे। और मुझे तो इनका शो देखने के बाद पता चला कि ये दानव लोग इंसानों को मारते क्यों हैं। असल में दानव लोग इंसान को नॉन वेज समझते हैं। नॉन वेज मम्मा, नॉन वेज नहीं, नॉन वेज नहीं। वैसे शैतान लोग वेज खाएं या नॉन वेज फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनके यहाँ खाने के बाद डकार नहीं मारी जाती, वरना इनके पीछे भी शैतान पड़ जाते हैं। कितनी बार कहा है डकार नहीं, सुन लेंगे वो। भगवान, भगवान। लेकिन क्या करें, डकार तो निकल चुकी है और शैतान ने भी इसको सुन लिया है। ये डकार की आवाज धरती लोक पर से आ रही है, इसीलिए वो आ जाता है धरती लोग इनको खत्म करने। और इनकी बातें सुनकर मन खराब से ज्यादा हैरान हो जाता है। और मारो बम जैसे डकार। क्या करूं मम्मा, निकल ही जाता है। अक्कल से ज्यादा तो इनकी आवाज स्लो है, ऐसे कौन बात करता है बे? क्या करूं मम्मा, निकल ही जाता है। और पता है इन शैतानों की कमजोरी ना कोई हथियार है, ना कोई वस्तु, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि इनकी कमजोरी है होली वाली पिचकारी। अब मेरे को समझ में आया ये शैतान लोग इतने डरावने क्यों दिखते हैं। अगर पानी इनकी कमजोरी है तो साले नहाते थोड़ी ना होंगे। और इन टीवी सीरियल के मॉन्स्टर भी किसी भोजपुरी मूवी के किरदार से कम नहीं होते इंट्रोडक्शन देने में। कौन है वे तू? हम है सुरमा भोपाली, हम है लप्पू। और कहने को ये शैतान है पर होते एक नंबर के लौंडिया बाज है। लड़की को देखते ही शैतान कम शायर बन जाते हैं। एक शेर सुनाए हम? हाँ हाँ बिल्कुल। इरशाद इरशाद। पहली नजर में हमको तुमसे प्यार हुआ, बार बार हुआ, जार जार हुआ। वाह,
क्या चेहरा तेरा देख के जी चाहता है कर दूं उस पे मुंह, चेहरा तेरा देख के जी चाहता है कर दूं उस पे मुंह, और तेरी शायरी पे धिक्कार है हाथू। इनके शो में यही होता है, लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती पर शैतानों को जरूर मिल जाती है। और दूसरा, तुम्हें अपने जैसी ही महान तांत्रिका से विवाह करना होगा। क्या अरे ब्रो पागल हो गए क्या, शक्ल देख इसकी पहले, इसे लड़की का बाल भी ना मिले, और अगर मिल भी गई तो अरे मिल भी गई इतनी जल्दी। हाँ मालूम है तुम क्या करने वाले हो, माना कि लड़कियों को शैतान लड़के पसंद होते हैं लेकिन इतना शैतान देख लो भाई, अब लड़के हैं ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। वैसे तुमको मालूम है इन शैतानों को मारना कितना आसान है, बस तुम्हारे पास एक कैमरा होना चाहिए। क्या बात कर रहे? अरे हाँ भाई, क्योंकि कैमरा से उसकी खींचना फोटो, फिर लगा देना उसमें आग, और राक्षस भी हो जाएगा जल के खाक। और पता है इसमें बड़े अच्छे अच्छे शैतान भी होते हैं। मान लो तुम ऑफिस से घर आने में लेट हो गए हो, आज तो काम पे बहुत ही देरी हो गई, और घर पे तुम्हारे बीवी इंतजार कर रही है, आधी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए मुनिया के बाबू। तो ऐसे टाइम पे इनके शैतान लोग इंसानों की फ्री होम डिलीवरी भी करते हैं। लेकिन जिंदा या मुर्दा ये इनको नहीं मालूम है। और हाँ, आप बोल सकते हो डिलीवरी करने का तरीका थोड़ा अभी बड़ा कैजुअल है, और मुझे समझ में नहीं आता जब भी लड़कियों के सामने कोई शैतान आता है तो उससे भागने की बजाय उससे क्वेश्चन क्यों करती हैं? कौन है तुम? अरे दीदी ये तो सलमान खान है, बस मेकअप नहीं किया इसलिए पहचान नहीं पा रही हो। स्वागत तो करो हमारा। अरे मुंडी पीछे करो और भाग वहाँ से। और इन शैतानों के पास भी आधुनिक उपकरण आ चुके हैं, जैसे कि इस सीन में देखो ये कपल यहाँ पे घूमने आया हुआ, लेकिन ये गाड़ी यहाँ कैसे आई है बे? पता नहीं। अरे मैं बताता हूँ ना, क्योंकि ये उड़ने वाली गाड़ी है। और भाई मेन करेक्टर तो उनको कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि दानव लोग खुद ही नहीं मारना चाहते उसे। अब देखो ये बंदा इन दोनों पे हमला कर रहा है, तभी दीदी चादर फेंक देती है। देखो देखो कितना अच्छा दानव है, खुद अपने मुंह को चादर से ढक रहा है ताकि ये दोनों आराम से भाग सके। मैं कलाकार हूँ, मैं चीजें बुनती हूँ। हाँ, और ये दीदी इतनी बड़ी कलाकार है कि ये चरखा चलाते चलाते एक बच्चा ही बुन देती है। पर दीदी ऐसा कौन सा कलाकार है जो कपड़े बुनने वाले चरखे से बच्चा बुन देता है? तुम कलाकार नहीं, तुम झूठ। कंट्रोल। और भाई इनके नॉर्मल डिलीवरी। इट्स नॉट फेयर। इस त्योहार Amazon पर मिले वेरी गुड सजेशंस ऑन टॉप फैशन ब्रांड्स, इजी रिटर्न्स विद नो कन्वीनियंस फी। होती नहीं है, हमेशा ऐसे ही बच्चे होते हैं, कभी तो बुने जाते हैं कभी अपने आप हो जाते हैं, जैसे कि इस औरत का पेट एकदम से फूलने लगा और फिर इतना बड़ा बच्चा। अरे जब इतना बड़ा बच्चा निकालना ही था तो आदमी ही निकाल देते, कम से कम बेचारे का भला तो हो जाता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लोटा ये। और फिर ऐसे ही बच्चे इनके टीवी सीरियल में आगे जाके दानव की उपाधि पाते हैं, जैसे कि ये बच्चा, इसने अपनी शक्तियों से एक इंसान को दानव बना दिया, क्योंकि तुम अब से मेरे पेट हो और मैं तुम्हारा मालिक। बच्चे बस इसे लेके बाहर मत निकलना, क्योंकि ऐसी ब्रीड अलाउ नहीं है। और इस बच्चे को देखो, होली से एक दिन पहले इसने सारे होली के कलर खा लिए, क्योंकि कल खेलूंगा मैं होली। अरे बेटा होली में रंग हाथों से लगाया जाता है, पिछवाड़े से नहीं। और संडास में विसर्जित हुए माल से कोई भी होली नहीं खेलना चाहेगा। और इस बच्चे को देखो, इसकी एक उंगली इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। मगर क्यों? शायद उंगल बगी। मेरा मतलब छोड़ो छोड़ो। और तो और इनके टीवी शो में एक ऐसा गाँव है जहाँ पे जितने भी गाँव वाले हैं उनमें से किसी का हाथ ही नहीं है, और वो सारे लोग एक हाथ की पूजा करते हैं। ये तो वही बात हो गई, गाड़ी है नहीं और गराज ढूंढा जा रहा है। Exactly. और भाई राइटर्स को तो छोड़ दो, इनके शो के कैरेक्टर्स में भी अक्ल नहीं होती है। अब ये देखो दीदी झाड़ू लगा रही है, इन्हें बहुत बड़ा सा छेद दिखाई देता है। अरे जमीन में यार। आशा जल्दी आओ, ये तेरे कमरे में सूरत कैसी? और अब इन दीदी का जरा बहाना सुनो। वो ये ना, ये तो चूहा का बिल होता है ना, वो है। क्या? अरे दीदी तुम्हें चूहे का साइज थोड़ा छोटा नहीं लग रहा इतना छोटा सा होल बनाने के लिए? पीछे खेत में ना बड़े बड़े चूहे आते हैं अनाज खाने के लिए। हाँ इतने बड़े चूहे आते हैं कि नगर निगम का काम बचा के सीवर लाइन ही बना देते हैं। ए चुप, एड़ा समझा क्या भाई? होते तो दिमाग के उल्टे ही है। तुम इन लोगों को खुशखबरी दे दो तो इनको खुशी नहीं होगी, मनहूस खबर दोगे तो बहुत खुशी होगी। अरे मनहूस रुदाली है क्या? देखिए मनहूस खबर आ गई,
चाहिए चाहिए। एक मनुष्य खबर मैं भी तुमको दे देता हूँ कि भाई इससे ज्यादा मैं तुम लोगों को सह नहीं पाऊंगा। जी हाँ, तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, इससे ज्यादा तुम देख भी नहीं पाओगे। बाकी वीडियो कैसा लगा बता देना और कमेंट और लाइक करना ताकि तुम्हारे भाई का हौसला बढ़ सके और ऐसी ऐसी वीडियो तुम्हारा भाई लाता रहे तुम्हारे लिए। तो चलो भाई चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।